जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। हजारों वर्ष पहले कोई एक शहर जिसमें बहुत सारे मंदिर थे समुद्र में डूब गया और ऐसी मान्यता रही कि समुद्र के तट पर आज भी उन मंदिरों में जो घंटियां थी उनकी आवाज सुनाई देती है। जो भी वहां जाते थे मान्यता थी कि घंटियों की आवाज सुनाई देती है। हो सकता है वो सारे मंदिर जो समुद्र की गहराई में थे पानी के हिलने से और उनमें जो हजारों घंटियां थी वो बजती हो, या फिर समुद्र में जो मछलियां थी वो उन घंटियों को बजाती हो। एक युवक निकल पड़ा उस समुद्र की तलाश में और कई कई वर्षों तक ढूंढता रहा, परंतु वो समुद्र न मिला और न ही वो तट। ढूंढते ढूंढते वो ये भी भूल गया था कि वो क्या ढूंढ रहा है, और अचानक एक दिन उस तट पर वो पहुंच जाता है और उसे पता चलता है यही वो किनारा है और यही वो समुद्र है जहां पर वो मंदिरों वाला देश डूब गया था। परंतु वो पाता है कि मंदिरों की आवाज, उन घंटियों की आवाज तो उसे सुनाई नहीं दे रही और वो वहीं बस जाता है और वहीं ठहर जाता है और रोज सुनने का प्रयत्न करता है कि कभी तो घंटियों की आवाज सुनाई देगी, परंतु समुद्र और समुद्र की कर्कश लहरें और उनका वो शोरगुल इसके अतिरिक्त तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वर्ष वर्षों तक उसी तट पर रहता कि शायद एक दिन वो आवाज सुन ले, परंतु आवाज सुनाई नहीं देती, केवल शोर। और एक दिन जब वो सो रहा होता है आज एकदम शांत होता है चारों ओर, अचानक उसे उस समुद्र से उन मंदिरों के घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कहानी काल्पनिक है पर कहने वाले कथाकार, दार्शनिक, फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि वो समुद्र मनुष्य का हृदय है और उसकी गहराई में परमात्मा प्रेम की घंटियां है, जो कि वो समुद्र, वो शहर जिसमें बहुत सारे मंदिर थे, इसी
समुद्र में डूब गए थे और व्यक्ति इन घंटियों की आवाज को सुनना चाहता है पर नहीं सुन पाता क्योंकि मन में ही इतनी हलचल है और मन में ही इतना शोरगुल है और मन में ही इतनी आवाजें हैं कि इन आवाजों के बीच उन घंटियों की आवाज सुनाई नहीं देती। जब व्यक्ति जाग जाता है, जब होश में आ जाता है, सारी निद्रा, प्रमाद, आलस्य, मोह, अज्ञान का आवरण हट जाता है, तब उस मौन में और उस एकांत में हृदय के तट पर उसे उन घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वो घंटियां है परमात्मा मंदिर की, परमात्मा प्रेम की, परमात्मा आनंद की। क्या हमें ऐसी आवाजें सुनाई आती है अपने ही हृदय से, उन मंदिरों से जो हमारे ही हृदय में कहीं ना कहीं अंदर डूब गए हैं। जब भी आवाज आ जाए परमात्मा प्रेम की और परमात्मा ज्ञान की, तब चेतना जागृत हो जाती है। और उस व्यक्ति ने लिखा कि अब वो आवाज मुझे निरंतर सुनाई देती है, अब मैं निरंतर जागा हुआ हूं, अब वो निरंतर खुशी, वो आनंद मेरे अंदर है, या फिर कहूं कि वो खुशी स्वयं मैं बन गया हूं। अब मेरा भटकना बंद हो गया। कहानी दार्शनिक तल की है, रूपक का प्रयोग किया गया है। सामान्य बातों में गहरे अर्थ छिपे हैं। जब चेतना ऐसी जागृत हो जाती है, संपूर्ण निरंतर जागरण, एक टिक दीपक, तब क्या क्या हो जाता है? आज की मुरली से बाप दादा किसको देख रहे हैं? जगे हुए दीपकों को देख रहे हैं। तो इस दीपक की 5 विशेषताएं बाबा ने बताई है, और वो दीपक कौन है? हम। आत्मा स्वयं ही दीपक बन जाए। सबसे पहले तो दीपक निरंतर सनातन शाश्वत रूप से जगा हुआ हो, एक टिक जगे हुए दीपकों को बाप दादा देख रहे हैं। जगे हुए रहने की अवस्था अर्थात निरंतर ज्ञान बुद्धि में गूंज रहा है, निरंतर परमात्मा ज्ञान की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। बेहोशी नहीं है, देहभान बेहोशी है, आत्माभिमान होश है। जब जब देहभान में चेतना जाएगी बेहोश होगी। प्रश्न ज्ञान और अज्ञान से कम होश और बेहोशी का है। तो जब जब बेहोशी होगी आवाज सुनना बंद हो जाएगा। जब जब बेहोशी होगी दिया बुझ जाएगा। जागता हुआ दिया, एक टिक जगता हुआ दिया, ये समान है आज की मुरली से। हम सब कौन है? दिए हैं। बुझ नहीं जाना है। वातावरण में आंधी है, तूफान है, चहुओर हलचल है, चहुओर भूकंप है। ऐसी हलचल की अवस्था में दिया जलता रहे। लड़ाई निर्बल की बलवान से है, परंतु उस निर्बल में
बल है समाया सच्चाई करे। और तूफान क्या होगा अंत में? तूफान भागा रे मैदान से। ये लड़ाई है दिए की और तूफान की, तो जीत दिए की है, क्योंकि दीप दिया सदा जल रहा है, सदा जागरण की अवस्था है। सदा जागरण अर्थात निरंतर ज्ञान का मनन, निरंतर ज्ञान का चिंतन, निरंतर ईश्वरीय महावाक्य बुद्धि में गूंज रहे हैं। और जब ईश्वरीय महावाक्य बुद्धि से विलीन हो जाते हैं, तब व्यर्थ का साम्राज्य चालू होता है, चिंताएं चालू होती है, भटकाव चालू होता है, अज्ञान का आवरण आता है, अंधकार छा जाता है और फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हम कौन हैं? एक टिक जलते हुए दिए, दूसरा अचल दिए। कैसे दिए हैं? अचल। तीसरा निर्विघ्न दिए। चौथा अपनी रोशनी से विश्व को रोशनी देने वाले, अपनी रोशनी से आत्मा को जगाने वाले। अपनी रोशनी से आत्मा को जगाना, संकल्प इतने शक्तिशाली हो कि सामने की आत्मा बिना कुछ कहे ही जग जाए, शब्द इतने पावरफुल हो, रटे रटाए नहीं, भाषण देने के लिए नहीं, पर चेतना को बदल दे, ऐसा प्यूरिटी का बल उसमें समाया हो। कर्म ऐसे हो कि विधान बन जाए, तो हम जगे हुए दीपक हैं, अचल दीपक है, निर्विघ्न दीपक है, अपनी रोशनी से दूसरों को जगाने वाले दीपक है। क्योंकि संसार की आत्माएं प्यासी है, आवश्यकता है, उन्हें मांग रही है, चाहती है कि कोई आकर जगाए। क्योंकि दुख बहुत है, लास्ट संडे की मुरली, शक्ति भक्ति और मुक्ति, अतृप्त है, अप्राप्त है, इच्छाएं बहुत है, विनाशी इच्छाएं, और प्यासी है और भटक रही है। तुम रहम दिल, तुम मास्टर दाता, तुम दानी, तुम वरदानी, तुम उनकी प्यास बुझाओ, तुम उनको दो, तुम संतुष्ट मणिया, तुम्हारा प्रकाश चहु और फैलता है। तो तुम उन्हें प्रकाशित करो और पांचवा कनेक्शन क्या करो? उनका बाप से जोड़ो। क्या करो? उनका कनेक्शन बाप से जुड़ाओ। ये पांच चीजें हैं दिए के विषय में। निरंतर जगे हुए दीपक बनना है। 1993-94 राजस्थान के गवर्नर थे चन्ना रेड्डी, मिनिस्टर क्वार्टर्स में रुकते थे और बार बार पांडव बनाते थे और बहुत सहयोगी थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। पर जब पांडव भवन आते थे तो यहां लाइट बार बार जाती थी, तो उनसे वो पूछते थे कि हमारे वहां मिनिस्टर क्वार्टर में लाइट तो कभी नहीं जाती, यहां तुम्हारे पांडव भवन में बार बार क्यों जाती है? तो भाइयों ने उनको बताया, क्योंकि उधर आपके कॉटेजेस में डायरेक्ट कनेक्शन है, पांडव भवन में वाया वाया है। तो उन्होंने कहा था यहां पर भी डायरेक्ट कनेक्शन दो। बाबा की महावाक्य चले थे, तुम बच्चों का बाप से डायरेक्ट कनेक्शन है, जब तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो लाइट नहीं जानी चाहिए। तो लाइट क्यों जाती है तुम्हारी? वाया वाया नहीं है, किसी के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट है।
तो जब तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो तुम क्या करो, बाप से कनेक्शन छुड़वाओ आत्माओं का, दीपक बनना है, पावरफुल दीपक जो कभी बुझे ना, विस्मृति अर्थात बुझना, गफलत अर्थात बुझना, आलस अर्थात बुझना, अलबेलापन अर्थात बुझना, भटकना अर्थात बुझना, स्थिर न होना अर्थात बुझना, ज्ञान होते हुए भी विस्मृति की अवस्था में रहना, समय की विस्मृति, किस स्थान पर बैठे हैं उसकी विस्मृति, युग कौन सा चल रहा है उसकी विस्मृति, क्या करना है उसकी विस्मृति, कर्तव्य की विस्मृति, कल की मुरली में मम्मा ने कहा था सबसे पहली मर्यादा है संपूर्ण निर्विकारी बनना, इसकी विस्मृति, जब तक विकारों का बीज नष्ट नहीं होगा तब तक निर्विकारी नहीं बन सकेंगे, और विकारों का बीज नष्ट किससे होगा, ज्ञान की तलवार से, जब ज्ञान की पूर्ण धारणा होगी तब विकारों का बीज नष्ट होगा। तो जागते हुए दीपक, निरंतर खुद को जगा के रखना है, सोने नहीं देना है, सो जाना अर्थात भूल होना, सो जाना अर्थात गलतियां होना, सो जाना अर्थात पश्चाताप, करना नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, ये भाव आना, सो जाना अर्थात बोझ। और ब्राह्मण आत्मा के लिए सबसे बड़ा बोझ है श्रीमत का उल्लंघन करना। जब जब आत्मा सूक्ष्म रीति से श्रीमत को तोड़ेगी बोझ का अनुभव होगा। चाहे अपने आप को कितना भी समझा दे कि जो मैंने किया कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, थोड़ी सी है, परंतु श्रीमत के उल्लंघन करने का बोझ भारी बोझ है, खाता रहेगा आत्मा को अंदर से। तो मुरली में मुख्य दो ही समान है, पहली जो मुरली है, पहला दीपक और दूसरा मैं रूहानी योद्धा हूं, स्पिरिचुअल वॉरियर। एक योद्धा की क्या निशानियां होती है, रूहानी नहीं संसार के, एक योद्धा शस्त्र अस्त्र शस्त्र होते हैं उसके पास, और अलर्ट होता है निरंतर, रात को सोता भी है जरा सी आवाज आ गई तो सबसे पहला हाथ कहां जाता है, अपने शस्त्रों पर, कौन है, इतना चौकस चौकन्ना अलर्ट रहता है, एवर रेडी रहता है, कभी भी कहां से भी ऑर्डर आ सकती है, यहां जाओ वहां जाओ, वो कहता है कि नहीं अभी मेरा टाइम नहीं है, उनके पास देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम है देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, ये मत पूछो क्यों, करो और मरो, ये नियम है, देयर इज बट टू डू एंड डाई। यहां क्यों जाना वहां क्यों जाना, दाएं क्यों मुड़ू बाएं क्यों मुड़ू, ये नहीं पूछते वो, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, सावधान तो सावधान, विश्राम तो विश्राम, कठोर नियम होते हैं आर्मी के। तो मिलिट्री अर्थात अस्त्र शस्त्र, मिलिट्री मैन अर्थात अलर्ट एवर रेडी, तीन हो गए, और डिसिप्लिन अनुशासित जीवन होता है उनका, इतने ही बजे उठना है, मतलब इतने ही बजे उठना है, ड्रिल करने वाले मिलिट्री वाले क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं हर दिन,
जबकि युद्ध की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है, युद्ध है नहीं, फिर भी ड्रिल जारी है रोज। क्यों? ड्रिल करने की क्या जरूरत है? प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और अचानक युद्ध हो जाए तो। इसके लिए रोज ड्रिल करते, बंदूक हाथ में उठा के माउंट में देखा होगा कैसे घूमते सीआरपीएफ, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, ये सब लोग इधर है, ट्रेनिंग सेंटर है माउंट आबू पहाड़िया यहां की, सुबह सुबह ड्रिल करते हैं। तो ड्रिल करते हैं तो वो योद्धा क्या करते हैं? ड्रिल करते हैं, अनुशासन उनके जीवन में होता है और शक्तिशाली होते हैं, करेजियस, वैलर, डरपोक नहीं होते, भयभीत होने वाले नहीं होते और पेशेंस, और देश की रक्षा करते हैं और फेथफुल होते हैं अपने देश के प्रति, निष्ठावान होते हैं, संकल्पवान होते हैं और एवर रेडी, तो बोल दिया, एकाग्रता उनमें जबरदस्त होती है क्योंकि युद्ध के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। यू आर एट वॉर विथ माया, बाबा कहते हैं, तो एकाग्रता और ड्रेस होती है और क्या होता है? बैच होता है और क्या लगते हैं यहां पर? मेडल। तो आज बाबा ने मेडल्स को याद किया है, चेकिंग करने को कहा है कितने मेडल है, कितनी विशेषता, कितने टाइटल, चेक करो कितने मेडल प्राप्त हुए, चेक करो कितने मेडल धारण किए हैं और उस योद्धा की क्या क्या निशानी है और क्या होता है उस योद्धा के पास या योद्धा में। डिटैच और कैसा होता है कवच? अच्छा, ड्रेस में आ गया कवच और बोझा कम रखते हैं, पावर टू पैक अप, फटाफट फटाफट यहां से वहां, वहां से वहां जाते, ज्यादा बोझ नहीं रखते अपने पास। और तो ये सारी उस योद्धा की निशानी है। हम लोग कौन है? रूहानी योद्धा। तो हमको भी क्या होना चाहिए? निडर, साहसी, शूरवीर, मेडल लगे हुए, ड्रेस, बैच, ड्रिल, एवर रेडी, डिसिप्लिन, चौकस, निरंतर अलर्ट और सारी दिशाओं को वो जानते हैं, नॉलेजफुल होते हैं। तो आज बापा के सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो कि जा रहे हैं, तो जाने के समय वहां जाकर क्या करना है इसकी ट्रेनिंग बाबा दे रहे हैं। यहां क्या किया और वहां क्या करना है, तो जो भी मधुबन आते हैं और फिर मधुबन से जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उसकी ऐसी 9 बातें हैं आज की मुरली से। जो यहां क्या किया और यहां से अब जा रहे हो, ये जाना अर्थात क्या, इसकी परिभाषा, ये जाना अर्थात वहां जाकर करना क्या है वो काम, वो जाना अर्थात यहां आकर किया क्या, वो सारे प्रश्न उसमें समाये हुए हैं। इससे पहले कि हम ये चालू करें कि वो कौन सी 9 बातें हैं, एक जापान में योद्धा था, इसके पहले भी एक बार सुनाया था पर यहां बहुत सटीक है। वो इतना शूरवीर था, इतना शूरवीर था कि शत्रु कांपते थे और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो हार गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसकी पराजय हुई, इतना शक्तिशाली था, डरते थे उससे लोग। एक बार ऐसे ही युद्ध से जीत कर वो लौटता है और अपने कमरे में आता है, और जैसे ही कमरे में आता है और बिस्तर पर लेटने जाता है तो देखता है उसके बिस्तर पर एक चूहा है
और उसे घूर घूर कर देख रहा है। उसको लगता है इस चूहे की इतनी हिम्मत, शायद इसे पता नहीं मैं कौन हूं। तो उसको डराने की कोशिश करता है, पर चूहा तो और जोर से घूर के देखता है। वो अपनी तलवार निकालता है, चूहा फिर भी देख रहा है और जोर से बिस्तर पर पटकता है। बिस्तर फट जाता है, चूहा दूसरी ओर। फिर तो सारे कमरे भर में तलवार लेकर चूहे के पीछे, चूहा यहां से वहां, वहां से वहां, और वो भी अंधाधुंध अपनी तलवार चलाता है। पूरी रात उपद्रव, और आखिर चूहा अभी भी बैठा हुआ है बिस्तर पर, ऐसे घूर कर देख रहा है। उसको लगता है इतनी मजा ले इस चूहे की, और ये खबर अगर बाहर पता चल गई तो क्या होगा मेरी प्रतिष्ठा का। मैं इतना नामी ग्रामी योद्धा, एक चूहे से हार गया, पर करे क्या, हार तो हुई है। बाहर निकलता है थका हुआ और अपने मित्रों को ये बात बताता है, क्या करूं। मित्र कहता है, अरे इतने छोटे से काम के लिए जहां पर सुई की जरूरत है तुमने तलवार का प्रयोग किया, यहां पर तलवार से नहीं युक्ति से काम लेना पड़ता है, एक बिल्ली को लेके आओ। पर तब तक ये खबर बिल्लियों के समाज और देश में भी फैल जाती है कि एक ऐसा चूहा आया है कि जिसने सबसे बड़े पराक्रमी महाबली योद्धा को हरा दिया, इसके लिए कोई बिल्ली आने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि अगर हार हो गई तो पूरे समाज में नाक कट जाएगी, बिल्लियों के समाज में। फिर भी कुछ कुछ बिल्लियों को तैयार किया जाता है और बिल्लियों को लाया जाता है, और बिल्ली छुपके से देखती है और देखती है, जैसे अंदर घुसती है, ये तो अजीबो गरीब चूहा है, झपटा मारता है सीधा बिल्ली पर। सुना था आज तक कि बिल्ली झपटा मारती है, पर ये तो चूहा ही मार रहा है। तो आधी बिल्लियां तो डर के मारे भागती है, और एक बिल्ली जो अंदर जाती है घायल होकर बाहर आती है। अब क्या किया जाए, ये कोई साधारण, कोई ईश्वरीय शक्ति वाला चूहा दिखाई दे रहा है। तो मित्र कहते हैं, अब तो एक ही उपाय है, जो राजमहल का की बिल्ली है मास्टर कैट, उसको लाया जाए, वही इसका निदान निवारण कर सकती है। तो उस बिल्ली के पास जाते हैं कि कुछ कीजिए, तो वो बिल्ली तुरंत तैयार हो जाती है और जाती है। सारा गांव और सारी बिल्लियां देखने के लिए अब क्या होता है, दरवाजा खोलती है, अंदर चूहा बैठा है, अंदर जाती है और चूहे को पंजे में पकड़ती है, मार देती है और लेके आती है। चाहू और जय जयकार, पत्रकार आ जाते हैं, ये आपने कैसे किया, मीडिया तो आ जाएगी ना, सनसनीखेज न्यूज, क्या राज है। वो कहती है, इसमें राज की क्या बात है, राज की इसमें कोई बात ही नहीं, मैं बिल्ली हूं, मैं और वो चूहा है बस, मैं अपने स्वभाव में स्थित हूं, वो अपने स्वभाव में स्थित है, मारना मेरा स्वभाव है, इसमें राज की क्या बात, मुझे पता है मैं कौन हूं, और जब मैं बिल्ली हूं तो उसको सहज मार सकती हूं। जागरण की अवस्था है, समान की अवस्था है, पता है उसे वो कौन है, और जब उसे ये पता है वो कौन है तो शत्रु कुछ भी नहीं है, फिर मिथ्या है, व्यर्थ ही मनुष्य विकारों से द्वंद कर रहा है। जैसे ही उसे पता चलेगा उसके साथ कौन है और वो कौन है, सारे विकार माया विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब ऐसा जागरण घटेगा तब, जब ऐसा जगा हुआ एक टिक दीपक, अचल दीपक, निर्विघ्न दीपक, अपनी रोशनी से विश्व को रोशन करने वाला दीपक बन जाएंगे तब। तो सबसे पहली बात जो यहां से जाकर करनी है, जो बाबा ने कहा, यहां तुम रिफ्रेश होने आए हो। रिफ्रेश होने आए हो और रिफ्रेश होकर जा रहे हो, यहां रुकने के लिए नहीं आए हो, रिफ्रेश होने आए हो। यह सबसे पहली पॉइंट है। रिफ्रेश अर्थात सब लोग कहते हैं ना, मधुबन में आए हैं रिफ्रेश होने के लिए आए, तो रिफ्रेश होने का अर्थ क्या, हवा पानी, वातावरण चेंज, कमरा नया, रिफ्रेश अर्थात क्या,
बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। बाबा ने मुख्य रूप से तीन बातें हैं, ज्ञान, शक्ति और सफलता। रिफ्रेश अर्थात पावरफुल, रिफ्रेश अर्थात शक्तिशाली, रिफ्रेश अर्थात पावर हाउस, रिफ्रेश अर्थात लाइट हाउस, रिफ्रेश अर्थात सक्सेसफुल, रिफ्रेश अर्थात पावरफुल नॉलेजफुल। मधुबन में आना और रिफ्रेश होना अर्थात स्वयं को शक्तिशाली बनाना ज्ञान योग से। मधुबन में आना, रिफ्रेश होना अर्थात स्वयं को ज्ञानी बनाना अर्थात ज्ञान का जागरण, चिंतन का जागरण। मधुबन में आना, रिफ्रेश होना अर्थात सफलता। वो जो संस्कार इतने समय से पकड़ के था और छूट नहीं रहा है, मधुबन में आते ही सफलता प्राप्त हो गई उस संस्कार से मुक्ति में, यह है रिफ्रेशमेंट। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट। खाली भोजन नहीं, खाली वातावरण नहीं, कहीं खाली संग नहीं, परंतु सिर्फ मधुबन में तुम आए हो रिफ्रेश होकर जाने के लिए, रुकने के लिए नहीं, जाने के लिए। और यहां तक कि जो यहां हमेशा ही रहते हैं उनके लिए भी मधुबन रिफ्रेशमेंट है। बाबा के चार धाम की सूक्ष्म में यात्रा करना, जो यहां रहते हैं वो भी अपने कमरे में बैठ बैठ कर चार धाम की यात्रा करना, ये सूक्ष्म रिफ्रेशमेंट है। ये चार धाम तो ये बाबा कह रहे हैं। पहली बात, आए किस लिए हो उसको याद रखना है, घूमने फिरने के लिए नहीं, इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन पर दर्शन करने के लिए नहीं, यहां पर आए हैं रिफ्रेश होने के लिए अर्थात सक्सेसफुल होने के लिए, लाइट हाउस बनने के लिए, माइट हाउस बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, नॉलेजफुल बनने के लिए। क्या ऐसा ही होकर बनकर जा रहे हैं या जैसे आए थे वैसे ही खाली? बाबा से मिलन बनाना है मधुबन में। एक समय था 88 में, बाबा 7 बजे आए थे और दूसरे दिन 7 बजे गए थे, 12 घंटे। कितने मिनट हो गए, मिनट कितने हो गए? 7 बजे शाम को आए थे, दूसरे दिन 7 बजे गए थे, कितने मिनट हो गए? 12 घंटे के 720 मिनट और 100 मेरे ख्याल से 20 मधुबन निवासियों से मिले थे, एक एक को लगभग 6-6 मिनट। वो भी दिन थे और अब ये भी दिन है कि पुराना ऑडियो चलेगा। ओम शांति भवन में 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक देखिए एक से कितना, 6-6 मिनट एवरेज कैलकुलेशन करके। तो वो भी दिन थे और ये भी दिन है। तो सबसे पहली बात रिफ्रेश, दूसरा यहां से जा रहे हो दूसरी आत्माओं को यहां लाने के लिए। यहां से जा रहे हो किस लिए? इस परिवार की जो आत्माएं हैं उनको अपने घर लाने के लिए वापस, ये संकल्प करना है कि यहां से जा इसलिए रहे हैं ताकि हम आत्माओं को तैयार करें, जिनको अब तक संदेश नहीं मिला है उनको फिर से संदेश दे और वापस यहां ले आए। इस महान कर्तव्य हेतु यहां से जा रहे हैं, ये दूसरा काम है। तीसरा काम है यहां से जा रहे हैं किस लिए? मेडल लेने के लिए। कौन सा मेडल? चार प्रकार के मेडल बताए, सबने मुरली सुनी है ना, तो कौन से मेडल लेने के लिए? स्नेह का मेडल, सहयोग का मेडल, समीपता का मेडल और संपूर्णता का मेडल।
ये विजय के चार मेडल है। जैसे वो योद्धा किसी युद्ध की भूमि पर जाते हैं तो मेडल लेकर आते हैं, वैसे तुम भी रूहानी योद्धा विजय का झंडा विजय का परचम लहराने जा रहे हो तो मेडल लेके आना है उधर से। स्नेह का, समीपता का, संपन्नता का, संपूर्णता का, विजय का मेडल, ये मेडल लाना है। यहां लगाते हैं ना, यहां लगाते हैं। वो पिंटू के पिता उससे पूछते हैं, पिंटू तुमने ये मेडल क्यों लाया? तो वो कहता है गीत गाने के लिए के बाद मुझे मिला। तो पिता पूछते हैं दो दो क्यों मिले? वो कहता है गीत इतना अच्छा गाया इसलिए दो मिले, पर फिर एक छोटा और एक बड़ा क्यों है? वो कहता है गीत गाया इसके लिए छोटा मिला और गीत बंद करने के लिए बड़ा वाला मिला, दो मेडल। तो उल्टा मेडल नहीं लाना है। तो तीसरी पॉइंट, यहां से क्यों जाना है? मेडल लेके आना है। दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है बच्चों की मेहनत, मोहब्बत की मेहनत का कितना वर्णन करे बाबा, दिन रात भी कम है। चाहे ट्रेन में चाहे बस में बाप को याद है। क्या कहा? चाहे तुम ट्रेन में हो चाहे बस में हो बाप को याद है। तो कोई ये ना सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं, उसको पता है कि नहीं, उसे तो वो भी याद है जब तुम ट्रेन में हो और जब तुम बस में हो। कितनी पावरफुल पॉइंट है। चौथी बात, यहां से जाना है क्योंकि तुम्हें विशेष कार्य करना है। यहां से जाना है क्योंकि विशेषता का कार्य करने के लिए यहां से जा रहा हूं। ये यहां से जाना अर्थात ये भी सोचो कि जब घर से निकलो तो विशेषता का कार्य करने जा रहा हूं, जब सेवा केंद्र से निकलो तो विशेषता का कार्य करने जा रहा हूं, जब मधुबन से निकलो तो विशेषता का कार्य करने जा रहा हूं, चाहे किसी भी सेवा पर कमरे से निकलो तो ये सोचो कि विशेषता का कार्य करने जा रहा हूं। पांचवी पॉइंट, ऐसा कोई कार्य है जो ड्रामा में छिपा हुआ है, जो अब तक छिपा है पर ड्रामा में नूंद है, वो करने जा रहा हूं, जो प्रत्यक्ष होना है, जो अब तक छिपा हुआ है, और ऐसे विशेष कार्य के लिए नए से नए मेडल लेने जा रहा हूं। जैसे वो लोग कोई विशेष कार्य करते हैं तो नामचीन नामी ग्रामी हो जाते हैं संसार में, वैसे तुम कहां पर नामी ग्रामी हो जाओ? इस ब्राह्मण परिवार में नामी ग्रामी हो जाओ, विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी हो जाओ। तो ये सोचना कि एक कार्य अभी भी छिपा हुआ है, एक सेवा अभी भी छिपी हुई है जो मैंने की नहीं है, अभी भी अज्ञात है, वही नहीं कि अब तक जितना किया वो हो गया फाइनल, एक सेवा अभी भी रही है, और जो ड्रामा में नूंद है पर अब तक छिपी हुई है उसे प्रत्यक्ष करने, उसे बाहर लाने मैं जा रहा हूं, इसलिए तुम जा रहे हो। ये बाबा ने पांचवी बात बताई। छठवीं बात, तुम यहां से जा रहे हो, नामी ग्रामी बनने तो जा रहे हो पर उसके साथ में दूसरी चीज जोड़ दी, सर्टिफिकेट। कौन सा? निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी। कितनी अच्छी पॉइंट है। प्रसिद्ध तो बन जाओ, प्रख्यात तो बन जाओ, ख्याति प्राप्त हो जाओ, परंतु ख्याति प्राप्त होते हुए भी क्या जुड़ा हो, कौन सा सर्टिफिकेट साथ में हो? निमित्त और निर्माण का सर्टिफिकेट। नाम का नशा ना हो। किसका नशा हो फिर? मेडल का नशा हो, रूहानी नशा हो, पर नाम का नशा नहीं, क्योंकि संगम पर सारे कार्य ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हो रहे, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। मैंने किया ये कहीं ना हो, बड़ी दादी के मुख से कभी भी मैं शब्द नहीं निकला,
वरिष्ठ भाई बताते कभी कभी सेंटेंस भी बिगड़ जाता था क्योंकि मैं का प्रयोग नहीं हो रहा है उसमें, पर मैं शब्द ही हटा दिया। थर्ड पर्सन दादी, दादी कहती है, दादी को संकल्प है, इस तरह से वाणी थी। और ये अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है कि जिसमें मैं बोलने में भी मैं नहीं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक दिन हम ट्राई करें कि मैं शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे? और बचाव के लिए हम शब्द तो है ही, क्योंकि बिना मैं शब्द तक बोले कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। पर यह प्रैक्टिस की जा सकती है कल का एक दिन, ठीक है, मंडे मैं शब्द बोलना ही नहीं है। अगर ये हो कि मुझे जाना है, हमें जाना है, प्यास लगी है तो प्यास लगी है इतना बोलना, मैं को हटा देना, बिना मैं के वाक्यों का प्रयोग क्या होता है देखेंगे। इसको प्यास लगी, ये ठीक है, पर वो थोड़ा आर्टिफिशियल भी ना लगे। हम शब्द मैं को हम से रिप्लेस करते हैं, परंतु ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो लोग हम कहते हैं उनमें अहंकार नहीं है, जिनको आदत ही है हम बोलने की और अहंकार से भी भरे हुए हैं, परंतु हम में सेफ्टी है, मैं में अहंकार है, ये मैंने किया, एक तो ये बोलना, दूसरा ये हमने किया। वो योग में बोलना मैं आत्मा, योग में नहीं तो हम आत्मा है, ये भी योग करके देख सकते हैं कि हम आत्मा है, हम परमधाम से हैं, हम अभी यहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। तो मैं विलीन हो जाना तपस्या है, मैं का गिर जाना ही अध्यात्म है। तो छठवा है सर्टिफिकेट कौन से सहित, निमित्त और निर्माण सहित सर्टिफिकेट कौन सा? बाबा कह रहे ये एक ऐसी मूर्ति है कि जिसमें बाबा कह रहे प्रसिद्ध हो जाओ, हमेशा कहते नाम मानचयन की इच्छा छोड़ दो, इसमें कहते हैं कि तुम्हें नामी ग्रामी बनना है। पर ये लाइन जोड़ दी, अब नामी ग्रामी बनो पर निमित्त निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी बनो, ये छठवा। सातवा विजय, तुम्हारी विजय निश्चित है, यहां से जा रहे हो, बाबा पहले ही कह रहे हैं कि विजय हुई पड़ी है, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी विजय हो नहीं, होगी नहीं, पहले ही विजय हुई पड़ी है। विजय समारोह, जैसे वो विजय समारोह मनाते हैं, ये विदाई नहीं बधाई है, वैसे केवल रिपीट करना है, ये सोचना है विजय तो पहले से निश्चित है, अभी केवल क्या करना है, रिपीट करना है, बस निमित्त बन के कर देना है और मेरी ही विजय होगी। जीत पर इतना विश्वास, विक्ट्री पर इतना विश्वास कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी विजय ना हो। भगवान कह रहा है मेरी विजय होगी, तिलक उसने दिया है, तो वो अविनाशी तिलक, विजय के तिलकधारी बनकर जाना है यहां से। तो ये सातवा। आठवा, यहां से जाने का कारण क्यों जाना है यहां से? पुण्य करने के लिए, दान करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, कौन सा खजाना? अखूट खजाना, अविनाशी खजाना तुम्हारे पास है, अखंड महादानी बन, इस खजाने को दान करने के लिए तुम यहां से जाओ अधिकारी बनकर। और उसमें भी तीन चार चीजें बताई, यहां से जाकर कौन सी सेवा करो, या तो चाहे तो सेंटर का जो स्थान है उसकी वृद्धि करो, या तो खुद सेवा ऐसी करो कि जिससे बाप का नाम बाला हो जाए, या तो दूसरी आत्माओं को निकालो जो बाप का नाम बाला करे, या तो फिर बड़ा ग्रुप यहां लेके आओ, ये चार काम बताए, यहां से जाते जाते करो, या तो खुद बड़ी सेवा करो, या दूसरे ग्रुप को लेके आओ, बड़े ग्रुप को लेके आओ, या ऐसी आत्माओं को तैयार करो जो बड़ी सेवा करे, या तो स्थान की वृद्धि करो, ये चार काम बोले हैं। तो यहां से जाना अर्थात
इतना भर के जाना कि दूसरों को क्या करे, दे सके। हमें देना है दूसरों को। यह आठवां काम और नौवां सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण काम है। अब कौन बताएगा? मुरली सबने पढ़ी है, छोटी सी मुरली है, पहली मुरली। कौन सा काम है? नौ बातें उसमें से नौवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट मुरली की। यहां से जाते हो तो कमजोरियों को क्या करके जाना है? मधुबन में स्वाहा करके जाना है। अगर कोई विशेष कमजोरी है तो विशेष टाइम निकालो उस कमजोरी को स्वाहा करने के लिए, क्योंकि मधुबन में आने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। और जब अवसर भाग्य ने, ड्रामा ने और नियति ने दिया है तो लाभ उठाना है उसका। ऐसी कोई कमजोरी है जो सारे प्रयत्न करने के बाद भी नहीं जा रही है, चाहे सेवा केंद्र में रह रहे या घर में रह रहे, पर एक कमजोरी या दो कमजोरी या तीन कमजोरी या कोई ऐसी सूक्ष्म कमजोरी है जो सब कुछ करने के बाद नहीं जा रही है। बाबा कह रहे विशेष प्रोग्राम बनाओ, विशेष समय निकालो उसके लिए और स्वाहा करो उसको इस महायज्ञ में। यहां पर चारों धाम बने हुए हैं, इन चारों धामों में गहन तपस्या करनी है। अगर कोई तीन, रोम में एक बार तीन पादरी आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए आर्च बिशप के पास। पहले पादरी से पूछा जाता है तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो कहता है मैं 3 मास के लिए आया हूं। तो उसको वो आर्च बिशप कहता है कि शायद तुम थोड़ा बहुत सीख लोगे। तो दूसरा डर जाता है, वो कहता है मैं तो उससे भी कम समय के लिए आ रहा हूं, फिर मैं क्या सीखूंगा। उसको पूछते तुम कितना दिन के लिए आए हो? कहता मैं 3 हफ्ते के लिए आया हूं यहां पर ट्रेनिंग के लिए। वो कहते तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। तीसरा तो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो 3 ही दिन के लिए आया है। उससे पूछते तुम कितने दिन के लिए आए हो? कहता मैं केवल 3 दिन के लिए आया हूं यहां पर। वो कहता शायद तुम सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि जब समय कम है तो ललक, जिज्ञासा, संकल्प, आतुरता, व्याकुलता बहुत ज्यादा है सीखने की। और जब हमारे पास भी मधुबन में रहने का समय कम है और हम यदि यहां आए हैं तो संकल्प करना है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इतनी झोली भर दूं कि पूरे साल भर चले यहां से।